उत्तराखंड सरकार राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है। वहीं कांग्रेस का नई शिक्षा नीति को लेकर कहना है कि राज्य सरकार फीस एक्ट पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहती है और उसके बाद राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ज्यादातर स्कूल सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं और लगातार सत्ताधारी दल को चंदा देने का काम करते रहते हैं, जिसके चलते सरकार फीस एक्ट बनाने में राज्य सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार के सभी अच्छे कामों में कमियां निकालने का काम कर रही है। की शिक्षा नीति की बातें हम जब ये भाजपा की पहली सरकार 2017 में गठित हुई थी तब से लेकर आज तक अब लगभग 5.5 साल होने वाला है और हम लगातार इसी तरह की बातें सुनते आए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री केवल ड्रेस कोड और तिरंगे तक सीमित हो गए, सिलेबस बदलने तक सीमित हो गए, फीस एक्ट के लिए कुछ नहीं किया गया क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बड़ा चंदा सरकार को देते हैं, ये हमारा आरोप है और ख़ास करके उस दल को देते हैं जिस दल की यहाँ सरकार है। ऐसे में अभिभावक महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बच्चों को खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अच्छा होगा यदि शिक्षा नीति आती है और ठोस शिक्षा नीति और फीस एक्ट आता है तो कांग्रेस पार्टी भी बधाई देगी। देखिए सारे काम शिक्षा नीति, जैसा हमने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारा प्रयास है कि जिन राज्यों में सबसे पहले लागू हो रही है उसमें हमारा राज्य का स्थान आ रहा है और मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से सबसे पहले अपने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है और वहीं कांग्रेस का नई शिक्षा नीति को लेकर कहना है कि राज्य सरकार फीस एक्ट पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, जाहिर तौर पर मेन मुद्दा तो फीस एक्ट ही है कि एक पेरेंट हैं वो अपने बच्चे को DPS या और किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं और वहीं एक आम आदमी है वो अपने बच्चे को एक छोटे से स्कूल में भी पढ़ाने की क्षमता, आर्थिक क्षमता नहीं रखता है। ऐसे में फीस एक्ट को लेकर काम होना बेहद जरूरी है ताकि शिक्षा में समानता आए। देखिए अनुज, ये मसला बहुत लंबे समय से चल रहा है। दिल्ली सरकार ने इसमें काफी ज्यादा काम किया है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें कई बार कोशिशें जरूर हुई है लेकिन फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मोनोपोली कहिए या कहीं कहिए कि एक सरकार का जो लचीलापन है उसके चलते अभी तक यहाँ पर इस तरीके का सेटलमेंट नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार बार बार मीटिंग करती है, बंदिशें जरूर लगाती है, थोड़ी सख्ती जरूर दिखाती है लेकिन फिर चीजें ट्रैक पर ही चली जाती है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई सामान्य परिवार का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता है तो फीस स्ट्रक्चर के चलते वो नहीं पढ़ पाता है। राइट टू एजुकेशन की भी बात होती है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल है उनकी कोताही साफ नजर आती है। और उत्तराखंड, ये तो खास तौर पर देहरादून और नैनीताल की बात करें, ये तो एजुकेशन हब माना गया है। अनुज, आप जानते हैं कि यहाँ के स्कूल तो देश दुनिया में मशहूर हैं लेकिन वो नामी लोगों के लिए ही है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही उन स्कूलों में आके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक सामान्य परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता है कि वो इस तरीके के स्कूलों में पढ़ाए। बहुत ज्यादा यहाँ पर काम की जरूरत है और खास तौर पर जो सरकारी स्कूल हैं अगर वहाँ का फीस स्ट्रक्चर तो बहुत कम है लेकिन जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें अगर सुधार हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो खाई है वो अपने आप पटने लगेगी और लोग, बहुत जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल की ही तरफ जाएं, वो सरकारी स्कूलों में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और जब इस तरीके का कॉम्पिटिशन आएगा तो कहीं ना कहीं वो मोनोपोली भी खत्म होगी। जी जी, ज्योत्सना बनी रही हमारे साथ।